नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। यूपी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की गहलोत सरकार का भी चला बुलडोजर। रीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग को किया ध्वस्त। गुर्जर की थली पर संचालित बिल्डिंग के भूस्वामी अनिल अग्रवाल व अधिगम कोचिंग संचालन कर्ता भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी व छोटूलाल जाट को धारा 32 चविप्रा अधिनियम के अंतर्गत नोटिस व रोड सीमा में अवैध कब्जा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने पर बिल्डिंग के भूस्वामी अनिल अग्रवाल को धारा 72 चविप्रा अधिनियम के नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण को आज जोन 3 द्वारा ध्वस्त किया। दस्ते द्वारा एक पोकलेन मशीन, 3 जेसीबी मशीन, 12 लोखंडा, 3 ड्रिल, 2 कटर व मजदूरों की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किया गया। मौके पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, सभी उप नियंत्रक, उपायुक्त जोन -5, सभी प्रवर्तन अधिकारी में प्रवर्तन दस्ते, जोन टीम, इंजीनियरिंग टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से मानसरोवर ACP व थानाधिकारी मौके पर मौजूद रहे तथा कार्यवाही को अंजाम दिया गया।